कोरोना की आड़ में शासन प्रशासन का अब भी लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन है तो सिर्फ रेल, बस, परिवहन और व्यापार के लिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर चल रही जिम्मेदारों की व्यवस्था ने यातायात पुलिस के लिए पूरी तरह से अनलॉक है, यानी शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए कानून की आड़ में वर्दी का खौफ बताकर वसूली करना पुलिसिया कारोबार इन दिनों शहर के चौराहे पर होता नजर आता है। पावर हाउस रोड पर टू लेन निर्माण के कारण व्यवस्था चौपट है, हर समय जाम लगना रोजमर्रा का काम हो गया है। यातायात पुलिस व्यवस्था तो सुलभ कर नहीं पाती, सिर्फ चालानी कार्रवाई कर वसूली कारोबार में लगी है। वसूली के लिए एक एएसआई के साथ 2-3 जवान खड़े कर दिए गए हैं, जो वाहनों को रोकते हैं, नियमों का पाठ पढ़ाते हैं और बस चालान काट कर वसूली कर लेते हैं। शायद ही वसूली ही इनकी सुधरती हुई व्यवस्था का हिस्सा है। हद तो तब होती है जब कोरोना का रोना रो रो कर पुलिस और प्रशासन मास्क लगाना अनिवार्य करता है और सख्ती के नाम पर 50 रुपए वसूल लेता है। लेकिन इन पुलिसिया साहब को ही देखें, इन्हें मास्क की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साहब हैं, कानून के पालनहार हैं, इनसे वसूली कौन कर सकता है। यह दूसरा दृश्य देखिए, लोकेंद्र टाकिज चौराहे का। यहाँ भी पुलिसिया वसूली चालू है, यहाँ अधिक वाहनों का निकलना होता है, धंधा अच्छा चलता है, इसलिए पुलिस जवानों की संख्या भी अधिक है। एक वाहन पर 3 सवारी या बिना मास्क वाला वाहन चालक दिख जाए तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई फरार आरोपी पकड़ में आ गया हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सभी 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी। श्री विजयवर्गीय ने यह दावा गत दिवस जावरा में किया। श्री विजयवर्गीय यहां महिला अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में यह भी कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार को भी जनता ने देखा है, जनता के साथ धोखा हुआ है। चाहे महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो या किसान, सबके साथ धोखा किया गया है। जनता एक बार धोखा खाती है, बार बार नहीं। इसके पूर्व भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जावरा में बनने वाले 50 बिस्तरों वाले महिला हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, जावरा विधायक डॉक्टर राजन पांडे, रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अंदर भाजपा किस तरह से काम करने वाली है, क्या कुछ तैयारियां? 24 सीटों पर हम जीतेंगे। लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार को देखा, जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दूध के व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, सबको धोखा दिया। और इसलिए जनता एक बार धोखा खाती, बार बार नहीं। 24 सीटों पर भारतीय जनता सिंधिया जी के जो 22 विधायक हैं, इनको क्या टिकट मिलने वाला है या इनमें से कुछ कट जाएंगे? करीब करीब संभावित। बिलपांग पुलिस ने एक बोलेरो जीप से लगभग 93,000 कीमत की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि 5 आरोपी फरार हो गए। बिलपांग पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरमावल पुलिस चौकी के दल ने एक सूचना पर ग्राम मुंदड़ी और छतरी के बीच नाकाबंदी कर एक बोलेरो जीप को रोका। पुलिस को देख कुछ युवक जीप से कूदकर भाग गए। पुलिस ने जीप की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को जीप के अंदर से 10 पेटी देशी शराब और 36 पेटी बियर की मिली। पुलिस ने अवैध शराब से भरी यह जीप जब्त कर ली। जब्त शराब की कीमत करीब 93,000 रुपए है। पुलिस ने जीप में सवार 2 युवकों जितेंद्र राठौर निवासी ग्राम बंजली और राजेंद्र पाठक निवासी इलाहाबाद को पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों सहित जीप से भागे 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 25 तारीख को सुबह के टाइम थी, हमारे मुखर लगे हुए थे कि ये पता जानकारी मिली कि जागुआ साइड से बिलपांग थाना क्षेत्र में दारू आती है, तो इसी ताकत में हमारे मुखर लगे थे और स्टाफ लगा हुआ था। 25 तारीख को सुबह लगभग 4-4:30 बजे सूचना मिली कि रानी गांव जो है वहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, इधर अपने बरमावल क्षेत्र में आई हुई है। सूचना पर वहाँ गाड़ी की घेराबंदी की, तो बोलेरो गाड़ी में 2 लोग सवार थे और 2-4 लोग मोटरसाइकिलों में आगे पीछे पर्यटिंग कर रहे थे। तो गाड़ी को घेराबंदी किया गया, पकड़ा गया, लेकिन अमीर का फायदा उठा के उसमें से ड्राइवर और जो साथ में बैठा हुआ था वो भाग गया। तो कितनी दारू पकड़ी सर? टोटल बियर और देसी प्लेन मिला के 46 पेटी दारू पकड़ी हुई है। सर कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे? कुछ नाना बताए थे और बिलमावल होते हुए ले जा रहे थे रतलाम शहर में दोस्ती के लिए। एक संदीप गुर्जर है और एक रघु कलाल, उनकी ये दारू थी
उनके साथ में अन्य चार लोग और थे। सात फेरे लेकर दुल्हन को अपनी जीवन संगनी बनाने वाले दूल्हे को रीति रिवाजों से ऊपर उठकर आठवां वचन भी अपनी दुल्हन को देना पड़ा। टैंकर रोड स्थित युवती आरती पिता जगदीश पांचाल का विवाह रतलाम के ही युवा हेमंत पिता गोविंद पांचाल के साथ दो दिन पहले हुआ। विवाह की रस्मों के बीच जब सात फेरे हो रहे थे, तभी दुल्हन बनी आरती ने अपने दूल्हे राजा हेमंत से आठवां वचन चीनी सामान का बहिष्कार मांग लिया। दूल्हे ने अपने दुल्हन का आठवां वचन भी स्वीकार कर लिया। बस फिर क्या था, पूरी बारात और नाते रिश्तेदारों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की शादी में ही शपथ ले ली। परिजनों ने मीडिया को बताया, आज हमारे परिवार में एक विवाह समारोह का आयोजन था, जिसमें चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं को न खरीदने और न खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए एक संदेश दिया गया है। इस संदेश के माध्यम से हम भारत को पूर्ण रूप से जागृति प्रदान कर आगे की प्रेरित करेंगे और चीन का बहिष्कार करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखेंगे। इसी संदेश को देते हुए आज दूल्हा दुल्हन द्वारा ये शपथ दिलवाई गई है कि अपने परिवार को और उनके इष्ट मित्रों सहित कोई भी चीनी वस्तु न खरीदेंगे और न ही खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए भारत की वर्ग अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और भारत और अच्छी स्थिति में पहुँचेगा। शहर के पिछड़े इलाकों में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने के लिए शहर जिला कांग्रेस ने नगर निगम पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में शहर के पिछड़े इलाके शिवनगर, सर्वोदय नगर, बिरियाखेड़ी क्षेत्र में व्याप्त जल संकट को दूर करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि इन क्षेत्रों के कुछ इलाकों में नगर निगम द्वारा पेयजल वितरण के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, किंतु इन पाइपलाइन में पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में पेयजल संकट का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। इस मौके पर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अदिति दवेसर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ये पाइप लाइन जोड़ने का मैंने बोला था।